नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। सोचिए कि अगर आपका अपना सिनेमा हॉल हो और आप उसमें डांस कर सके, आपका एक अपना तोता हो जिसे आप अपने हाथों से खाना खिला सके, आपके घर में पियानो हो, के साथ हो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, हम साथ साथ हैं जजमों के साथ ही, हम साथ साथ हैं। भाई ये होती है सपनों की दुनिया, और ऐसी ही सपनों की दुनिया है सारा अरफीन खान की, जो आपको दिखा रहा है सास बहू और बेटियां, सीरियल जमाई राजा की माही और आजकल लव का इंतजार की विजय लक्ष्मी रियल लाइफ में जीती है सपनों की दुनिया, जहां उनका एक खूबसूरत से घर में बसी हुई है एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर आप हो जाएंगे हैरान। सारा के घर में उनका एक अपना सिनेमा हॉल है, सारा अपने तोते को अपने मुंह से खाना खिलाती है, घर में बजाती है पियानो, साथ साथ है बड़ी संस्कारी, किचन में अपना खाना खुद बनाती है और अपने सास ससुर का ख्याल रखते हैं, यानी मॉडर्न अंदाज लेकिन संस्कार शुद्ध देसी। लंदन में पली बड़ी सारा, मुंबई में अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ रहती है और जीती है फुल टू जिंदगी, और इनके जीवन में झांकने के लिए हम पहुंचे सारा के घर, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा हेलो। हेलो, हाय देयर। तो आज सास बहू और बेटियां हमारे घर आए हैं, वेलकम। सारा के साथ उनके घर पर हमारा स्वागत किया उनके तोते पैब्लो ने। ये थोड़ा मूडी है, ये मेरे साथ हाइड एंड सीक भी खेलता है। पैबल कम 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 कम, नो ये अपने में बिजी है अभी, ये खाली वेलकम करने के लिए आया है। आया था, बाकी अब बोलता है डू योर ओन थिंग। पैबल यू ओके? दूर से देखेगा और बोलेगा कम 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 कम, और फिर मैं नहीं आऊंगी तो बोलेगा गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, बिकॉज आई कॉल हिम गुड बॉय, तो मुझे प्लीज करने के लिए गुड बॉय गुड बॉय, और जवाब नहीं दूंगी तो बोलेगा क्या हुआ क्या हुआ, और सब अलग अलग तरीके की आवाज निकालेगा। भाई ये जनाब बड़े ही शरारती हैं और अपनी मम्मी सारा के हाथों से ही खाना खाते हैं, यानी सारा की जिंदगी जुड़ी हुई है उनके इस प्यारे से तोते के साथ। ये खाना किस तरह से खाता है, सीड्स तो अपना खाता है, बट मोस्ट ऑफ हिज फेवरेट फूड ये जो खाता है वो मेरे मुंह से खाता है। आई एम सॉरी बट इट्स माय बेबी, सो एनीवे अब देखना ये। मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गया, पर मैं ना मेरी मैं। मोस्ट ऑफ द फूड मेरे मुंह से खाता है, इट डजंट ईट लाइक दैट। ये नॉइज भी करता है सेम। सारा का मुंबई में बहुत बड़ा सा और शानदार घर है, बड़े ही खूबसूरती और एलिगेंट तरीके से देश विदेश की चीजों से सजाया है, लेकिन इस घर में सबसे खास है उनका ये प्राइवेट सिनेमा थिएटर। सो दिस इज माय सिनेमा रूम, एंड ये हमारा सबसे फेवरेट रूम है घर में, बिकॉज अब हम मूवीज बाहर नहीं देख सकते, ये हमारा इन हाउस सिनेमा रूम है जहाँ पे मैं हॉरर फिल्म्स ज़्यादा देखती हूँ। आई लव हॉरर फिल्म, तो मैं यहाँ पे हॉरर फिल्म्स देखती हूँ, स्पेशल इफेक्ट्स होता है, स्पेशल म्यूजिक होता है, डॉल्बी डिजिटल आई हैव गॉट, एंड नॉट ओनली दैट एक और चीज़ मैं यहाँ पे करती हूँ, हमारा एक चैनल है फेसबुक चैनल यूट्यूब चैनल सिनेबॉक्स ब्लू, जहाँ पे मैंने अभी स्टार्ट किया है मूवी रिव्यूज़। सो फर्स्ट मूवी रिव्यू शायद मैंने किया है वो काबिल का है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, एंड वी डिड इट राइट हियर। जी हाँ, सारा का अपने एक सिनेमा थिएटर है जहाँ पर वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखती हैं अपनी फेवरेट फिल्म्स। सो बेसिकली एक बार मैं यहाँ पे फिल्म शुरू कर देती हूँ तो हमारा मन नहीं करता है कि इस रूम से बाहर जाए। एज यू कैन सी आई गेट मेसमराइज्ड, मतलब
सिर्फ मैं नहीं, पूरी फैमिली एंड फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे मूवी नाइट्स करते हैं, हॉरर मूवी नाइट्स करते हैं. फ्राइडे द 13th को हमने हॉरर फिल्म्स देखी थी. एंड डिपेंड्स, क्रिसमस में क्रिसमसी फिल्म्स, होम अलोन एंड स्टफ लाइक दैट. बच्चों के लिए ऑल डिफरेंट किड्स, लाइक यू नो माय फ्रेंड्स हैव किड्स एंड देन फ्यू द रिलेटिव्स नेबर्स, वी हैव अ किडीज नाइट वेयर वी कैन वी शो देम सम किडीज फिल्म. आई लव किड्स, आई हैव डन चाइल्ड साइकोलॉजी, तो मुझे और ही पसंद है. हिमालय पे चढ़ के दिस इज माय फेवरेट रूम, सिनेबॉक्स ब्लू. दिस इज द नेम ऑफ द सिनेमा रूम. अब मजे की बात यह है कि अगर उनका कोई गाना बीच में आ जाए तो ये सीधा स्क्रीन के सामने डांस करने लगती हैं. भाई वाह, इसके अलावा और कहीं नहीं बैठती हूँ, सो दिस इज माय फेवरेट चेयर. यहाँ पे मैं बैठती हूँ, यहाँ पे माय हस्बैंड और माय सिस्टर सिट्स. और अगर मेरी फेवरेट सॉन्ग ऑन है तो मी एंड माय सिस्टर वी जंप आउट हियर एंड एक्चुअली वी स्टार्ट डांसिंग हियर फुल. जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त से चढ़ गई हमको तुरंत, जैसे लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे. भाई सारा का सिनेमा घर तो देख लिया, लेकिन उनके ड्राइंग रूम में खास है ये पियानो. और चल गम की दुनिया से दिल भर गया. I can't sing and play. जब भी वक्त मिलता है वो पियानो बजाती है. और साथ साथ अपने इस फेवरेट सोफे पर आराम फरमाती है. यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं होता, शाम को मैं यहीं पर बैठती. Give it to me, kiss me my darling, be mine tonight, all that. Charlie the Chocolate Factory, I saw the play. Bachpan se mujhe Charlie and the Chocolate Factory bahut. बनाने जा रही हूँ गुड चीज लेटस सैलेड. इट्स अ वेजिटेरियन सैलेड, कॉन्टिनेंटल, ब्रिलियंट विद ऑलिव.
लगी, भूख लगी। कोल्ड चीज इज नाइस, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा होता है। दैट इज ऑब्वियसली बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सैलेड, क्योंकि हमने ऑलिव ऑयल डाला और हर्ब्स डाला, नमक की भी जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट दिस इटालियन टेस्ट। सारा का पालन पोषण भले ही लंदन में हुआ है, लेकिन अब वो मुंबई में अपने पति अरफीन और अपनी सास ससुर के साथ रहती है। अब पूरा परिवार एक साथ देखिए कैसे डांस करता है, यानी फैमिली दैट स्टेज टुगेदर एंड ईट्स टुगेदर। Welcome. My sasur has too many things to say. Yeah. So he's my father-in-law. Yeah. Shit. She's not. तो ठीक है ना हमें भाई, जो तुम नजर आती हो वो होली है। मेरा pet name रखा है इन्होंने। क्या रखा है मेरा pet name? Meow. नहीं। नहीं। ये अपनी नानी पे गई है। इसकी नानी को भी देखता हूँ तो डर जाता हूँ। यू नो बोलते हैं कि बड़े बच्चों का ख्याल रखते हैं, देखते हैं कि वो बदमाशी नहीं करे। यहाँ पे ऑपोजिट है, मुझे हर वक्त देखना पड़ता है कि ये दोनों बदमाशी ना करें। ऑल द टाइम ही विल कम और नानी टीवी देख रही होगी तो टीवी का लाइट स्विच ऑफ करेगा, यू नो थिंग्स लाइक दैट। फिर नानी आएंगी, नानी उनके पीछे से खड़ी रहेगी, हाँ हाँ हाँ। तो पूरा टाइम इज इट मॉम यही करते हैं, लाइट बंद करके जाएगा, दरवाजा बंद करके जाएगा। सो इससे को तंग करते रहते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में आता क्या से ऐसे ऐसे ख्याल है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। भाई सारा अपने परिवार का ख्याल रखने के साथ साथ अपने घर का भी ख्याल रखती है। पति अरफीन को घूमने फिरने का बहुत शौक है और उनके घर के चारों तरफ उनके ट्रैवल की तस्वीरें लगी पड़ी हैं। हमें ट्रैवल बहुत पसंद है, अगर मैं शूट नहीं कर रही हूँ और सेमिनार्स नहीं कर रही हूँ, विमेन सेमिनार्स नहीं कर रही हूँ, तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ। तो दिस इज ये है लद्दाख, जब हम ट्रैकिंग पे गए थे एंड ह्यूज कैमल्स एंड दिस इज इन श्रीनगर, ही इज माय हस्बैंड अरफीन एंड हम दोनों को बहुत शौक है मतलब ट्रैवल का, ट्रैकिंग का। स्पॉन्टेनियसली विल जस्ट टेक अ बैकपैक और हम लोग चले जाएंगे घूमने। ये है जब मैं और अरफीन पहली बार मिले थे, एज यू कैन सी हम बहुत छोटे, नादान, स्वीट, इनोसेंट लग रहे थे। पहली डेट है हांगकांग। वैसे उतनी ही मजेदार है सारा और उनके पतिदेव अरफीन की लव स्टोरी। भाई सारा के साथ पूरा दिन बिताकर हमने लंदन की इस गुड़ी के बारे में वो छोटी छोटी बातें जानी जिससे आप अब तक अनजाने थे। हाँ मतलब लास्ट में जब निकलते टाइम घर पे, हाँ फाइनल यू नो एवरीथिंग फाइन, ड्रेस बैक हेयर, सो या दिस इज द फाइनल फाइनल टच अप, मिरर मिरर ऑन द वॉल। और आपको भी इनके शानदार घर को घूमकर और इनके खास दोस्त पैब्लो से मिलकर पता चली होंगी कुछ छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें जो आपको रूबरू कराई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया ने। सबसे पहले तो मैं सास बहू बेटिया के क्रू को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो लोग हमारे घर पे आए। सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी है तो एक्सक्यूज करना प्लीज। वेलकम एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग सब मेरे घर पे आए और मेरे साथ सैलेड खाया और मेरे सिनेमा रूम को एंजॉय किया एंड मेरा बर्ड पैब्लो से दोस्ती की। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप टू सी यू अगेन सून। मुंबई से रिपोर्ट माउची के साथ आज तक ब्यूरो।